माइक पांडे। 87% भोजन इस पृथ्वी पर मधुमक्खियों और तितलियों के कारण होता है। पृथ्वी पर जीवन एक नाजुक मकड़ी के जाल जैसा है, जहां हर कड़ी दूसरी पर निर्भर करती है अपनी शक्ति के लिए। उसी प्रकार पृथ्वी की हर प्रजाति अन्य प्रजाति पर निर्भर करती है अपने जीवन के लिए। लाइफ ऑफ इंटरडिपेंडेंस। और बाघ इस खाद्य चक्र का प्रतीक है, एपेक्स ऑफ द फूड चेन। और इस सबको जीवन देते हैं मधुमक्खियाँ और तितलियाँ। मधुमक्खी, तितलियाँ और अन्य जीव पूरे पृथ्वी को जागरूक रहते हैं, भोजन उत्पादन करने में सहयोग देते हैं। पृथ्वी पर जीवन चलता है 3 अहम तत्वों की बदौलत, हवा, पानी और ऊर्जा। हवा और पानी तो हमें सीधे ही प्रकृति से मिलते हैं, मगर ऊर्जा जो हमें जिंदा रखती है, वो हमें मिलती है उस आहार से जिसे हम खाते हैं। ये आहार हमें फसलों और फलों के जरिए मिलता है, लेकिन बीज और फल तभी वजूद में आते हैं जब कुछ कीट, जीव, हवा और पानी उन्हें पॉलिनेट करने यानी उनके परागण में मदद करते हैं। परागण जीवन का एक चमत्कार है। मधुमक्खियां और तितलियां कुछ और कीटों, पक्षियों और जीवों के साथ मिलकर पृथ्वी पर लगभग हमारे 82% आहार का परागण करते हैं। बाकी 18% का परागण पानी, हवा और रात में निकलने वाले चमगादड़ और मौत यानी पतंगे जैसे जीवों के जरिए होता है। हर प्रजाति जीवन और आहार श्रृंखला को आगे बढ़ाने और कायम रखने में किसी न किसी तरह से मदद करती है। मधुमक्खियां और कीट घास का भी परागण करते हैं, जिसे हिरण और दूसरे जीव खाते हैं, और हिरण को बाघ खाता है जिंदा रहने के लिए। ये प्रकृति का एक हैरत अंगेज जीवन चक्र है, आहार का एक ऐसा वहनीय सिलसिला जो पृथ्वी पर तमाम जीवन को मुमकिन बनाता है। कीट नेक्टर यानी रस की तलाश में फूलों की तरफ खींचे चले आते हैं और उनकी इसी खुराक ढूंढने की कोशिश में परागण यानी पॉलिनेशन होता है, और इसी के परिणाम स्वरूप पूरी दुनिया में अनाज और कृषि उपज की शक्ल में $10 खरब लागत की चीजें मिलती हैं। मधुमक्खियां कीट परिवार में मौजूद बेहद विकसित प्रजातियां हैं। नेक्टर की अपनी खोज की वजह से ही इन्हें आहार श्रृंखला में प्रमुख पॉलिनेटर की भूमिका मिली है। मधुमक्खियों का फूलों और पौधों के साथ भी एक आत्मनिर्भर रिश्ता है। जब मधुमक्खियां फूलों से नेक्टर ले रही होती हैं, तभी पराग उनके शरीर, सिरों और पिछली टांगों पर चिपक जाता है, और ऐसा होता है उनके पंखों की थरथराहट से पैदा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के कारण। वैज्ञानिकों का मानना है कि फूल मधुमक्खियों से संपर्क साधकर उन्हें इस सिलसिले में संदेश देते हैं कि क्या उनमें नेक्टर है या नहीं, जिससे मधुमक्खियों का समय बच जाता है। फिर शायद मधुमक्खी किसी और किस्म के फूल की तरफ चली जाती है और यहीं पर पराग का विनिमय होता है। ये प्रक्रिया उनके पुनरुत्पादन और किस्मों के विकास के लिए जरूरी है। पराग के इस इनाम के रूप में प्रकृति मधुमक्खियों को नेक्टर प्रदान करती है। परागण में अहम भूमिका निभाने वाला एक और जीव है तितली। तितलियां लेपिडोप्टेरा नामक एक कीट समूह से ताल्लुक रखती हैं। इस यूनानी शब्द का मतलब है स्केली विंग्स यानी शल्क वाले पंख। कुदरत के डिजाइन भी अनोखे होते हैं। फूलों का डिजाइन कीटों की खास प्रजातियों मधुमक्खियों, तितलियों व जीवों को आकर्षित करने के लिए होता है। कुछ हवा और पानी के बहाव के हिसाब से ढले होते हैं। कुछ पौधे और फूल तो खास तौर पर तितलियों या पक्षियों पर निर्भर करते हैं,
जैसे कि हनी सकल, डेजी, मिल्कवीड, कैलेंडुला और कुछ अन्य। इनका परागण सिर्फ तितलियां या पक्षी ही कर सकते हैं। गंध, रंग और आकार भी परागण करने वाले कीटों को आकर्षित करने के लिए खुद को विकसित करते और ढालते रहते हैं। तितलियां ज्यादातर रंग और समतल सतह वाले फूलों को ढूंढती हैं, जो उन्हें बैठने की सही जगह देते हैं और जहां वो नेक्टर को ढूंढ पाती हैं। नेक्टर आमतौर पर फूल के अंदर गहराई में होता है। तितली का मुंह या दांत नहीं होते। ये नेक्टर तक पहुंचने के लिए अपने खास तौर पर ढले एक अंग का इस्तेमाल करती हैं। ये है एक लंबा लचीला ट्यूबनुमा अंग, जिसे कहते हैं प्रोबोसिस। इसे कुदरत ने नेक्टर और तरल पदार्थों को चूसने के लिए ही बनाया होता है। प्रोबोसिस के जरिए तितलियां नेक्टर पाने के लिए संकरे फूलों में गहराई तक पहुंच पाती हैं, और अगर जरूरी हो तो ये फलों में छेद भी कर देती हैं। जब तितलियां खुराक नहीं ले रही होती तो ये अपने प्रोबोसिस को अपने पेल्पाई नामक अंगों के बीच मोड़ लेती हैं। ये दो अंग तितली के चेहरे के आगे मौजूद होते हैं। अन्य कीटों के विपरीत तितली एक बहुत ही नाजुक जीव होती है और इसे अपने दुश्मनों से कोई बचाव भी हासिल नहीं है, तो फिर ये जिंदा कैसे रहती है? तितलियां खुद को बचाने के लिए कई तकनीकें इस्तेमाल करती हैं। छिपने की कला, अपने रंगों को बदलने की महारत, यहां तक कि विष भी। रंगों को बदलने और अपने चिन्हों के बल पर इन्हें अपने आसपास के माहौल के मुताबिक ढलने और अपने शिकारियों से बचने में मदद मिलती है। इनके पंखों पर कुछ ऐसे निशान भी बने होते हैं जो बड़ी बड़ी आंखों जैसे लगते हैं और जिनसे इनके संभावित दुश्मन डर जाते हैं। ज्यादातर चटक रंगों वाली तितलियों के पंखों में जहरीले तत्व होते हैं और उनका स्वाद खराब होता है, जिससे उनका शिकारी बीमार हो जाता है। जब इनका शिकारी ऐसे नतीजे भुगत चुका होता है तो उसे आसानी से ये बात याद रहती है कि चटक रंग वाली तितली खतरनाक और बदमजा होती है, तो वो भविष्य में उससे दूरी बनाए रखता है। तितलियां हमारे ग्रह पर लाखों साल से मौजूद रही हैं और इन्होंने अपना काफी विकास किया है। हर साल लाखों तितलियां फूलों के खिलने के मौसम के साथ और बदलती जलवायु के साथ तालमेल बनाए रखती हैं। कनाडा में तितलियों के सबसे बड़े प्रवासों में से एक के दर्शन होते हैं। एक अनुमान के अनुसार 6 करोड़ से ज्यादा तितलियां कनाडा की तीखी सर्दियों से निजात पाने के लिए मैक्सिको का रुख करती हैं। तितलियों का प्रवास प्रकृति के तौर तरीकों का एक अनोखा चमत्कार है और उस प्रजाति की सहन शक्ति और लचीलेपन का भी, जो जिंदा रहने के लिए हजारों किलोमीटर का सफर तय करती है और इस प्रवास मार्ग में हर चीज का परागण करती जाती है। लेकिन तितलियां और मधुमक्खियां गायब होती जा रही हैं, मर रही हैं। मुझे याद है जब मैं इंग्लैंड में बड़ी हो रही थी तो हमारे बाग में ढेर सी खूबसूरत रंग बिरंगी तितलियां हुआ करती थीं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था। इनके पंखों पर चमकदार और अलग अलग रंग होते थे। लेकिन आज न सिर्फ इंग्लैंड में लेकिन पूरी दुनिया से ही तितलियां गायब होती जा रही हैं। ज़रा कल्पना कीजिए कि अगर खेतों में, बागों में, जंगलों में से तितलियां हमेशा के लिए गायब हो जाएं, तो ये दुनिया कितनी नीरस लगेगी। परागण करने वाले जीवों की गैर मौजूदगी में फसलों और फलों की उपज प्रभावित हुई है। विशेषज्ञों के अनुसार इन परागण करने वाले जीवों की तादाद में कमी मुख्य रूप से इंसानी गतिविधियों के कारण आ रही है। अंधाधुंध विकास, जंगलों की कटाई और घास और वनों में आग लगाए जाने से कई प्रजातियां
विलोपन के कगार तक पहुंच चुकी हैं। हम रोजाना पृथ्वी पर से करीब 100 प्रजातियां गंवा देते हैं। पिछले कुछ दशकों के दौरान कीटनाशकों के अंधाधुंध इस्तेमाल, मोनोकल्चर, पर्यावरण को हुई क्षति और प्रदूषण का बहुत बुरा असर हुआ है। पूरी दुनिया में एक नई महामारी मधुमक्खियों को अपनी जकड़ में ले रही है। CCD या कम्युनिटी कोलैप्स डिसऑर्डर कहलाने वाली इस महामारी की वजह से लाखों मधुमक्खियां मर चुकी हैं और अब भी मर रही हैं। आज 14 ऐसे देश हैं जिसमें 40-60% मधुमक्खियां और तितलियां मर गई हैं। एक वायरस इन्हें इफेक्ट कर रहा है। ये एक शोचनीय समस्या हो गई है। भारत में भी हिमाचल प्रदेश में कई इलाकों में मधुमक्खियां किराए पे मंगाई जा रही हैं। इटालियन बीज यहां आ रही हैं परागण के लिए, खास करके सेवों के पेड़ों के लिए। ऐसी स्थिति में अगर एक वायरस हमारी मधुमक्खी को ख़त्म कर दे तो क्या होगा? चीन में सेशुआन डिस्ट्रिक्ट में 10 साल से वहाँ के लोग, बच्चे, औरतें मुर्गियों के पंख लेकर फूलों का परागण करने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या हम कुदरत का काम कर सकते हैं जो मधुमक्खियां तितलियां करती हैं? दुनिया के बहुत से देश अनाज और फलों की फसलें तबाह होने और फलों का उत्पादन घटने से प्रभावित हो रहे हैं। अमेरिका में और चीन के सिचुआन जैसे कुछ प्रांतों में प्रकृति के ये माहिर परागणकर्ता यानी मधुमक्खियां गायब हो गई हैं। इन्हें वहां 10 साल से भी ज्यादा समय से नहीं देखा गया है। अमेरिका में 60% मधुमक्खियों की आबादी खत्म हो चुकी है और अब ये मुल्क यूरोप से मधुमक्खियां आयात करा रहा है। यूरोप के भी 14 देश CCD से प्रभावित हैं। मोनोकल्चर के नतीजे में मधुमक्खियों और पॉलिनेशन करने वाले जीवों को केवल एक ही किस्म की फसलें मिलती हैं, जिससे उनका पोषण असंतुलित रहता है। मधुमक्खियों की रोग प्रतिरोधी प्रणाली कमजोर हो जाती है और वो बीमारियों और संक्रमण का शिकार हो जाती है। वायरस का हमला उनकी तंत्रिका प्रणाली को प्रभावित करता है और मधुमक्खियां अपने छत्तों की ओर लौट नहीं पाती, जिससे रोजाना लाखों मधुमक्खियां दम तोड़ देती हैं। विशेषज्ञ इस हादसे का हल ढूंढने की कोशिश में हैं। लेबोरेटरी में किए गए परीक्षणों से मधुमक्खियों में वायरस और बैक्टीरिया होने का पता चला है। कुछ मधुमक्खियों को तो एक ही समय में 5 या 6 संक्रमण थे। उनमें फंगस भी मौजूद थी। विशेषज्ञों को आशंका है कि इन कीटों की रोग प्रतिरोधी प्रणाली शायद ध्वस्त हो चुकी थी। एशिया भी इस समस्या से अछूता नहीं है। हालांकि आंकड़े तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन भारत और चीन भी इस समस्या को झेल रहे हैं। अनाज का उत्पादन गिर रहा है और फसलें प्रभावित हो रही हैं। भारत का उत्तरी राज्य पंजाब इसकी एक खास मिसाल है। यहां फसलों का उत्पादन जलवायु में बदलाव और सिंचाई के पानी की कमी के कारण नहीं घटा है, जैसा कि कुछ लोगों को लगता है, बल्कि ऐसा परागण करने वाले जीवों की कमी के कारण हुआ है, यानी मधुमक्खियों, तितलियों और कीटों की गैर मौजूदगी की वजह से। पंजाब भारत के उन राज्यों में से एक है जहां कीटनाशकों का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है। इसी तरह हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और कश्मीर भी प्रभावित हुआ है। यहां उत्पादन काफी घटा है और सेब महंगे हो गए हैं। उनके दाम कई गुना बढ़ गए हैं और इसकी वजह सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग और बदलते जलवायु विन्यास ही नहीं है, बल्कि सेब के पेड़ों पर सेब के पकने तक 4 से 5 बार कीटनाशकों का जमकर छिड़काव भी किया जाता है। कीटों और फंगस के साथ साथ इससे लाखों ऐसे कीट भी मारे जाते हैं जिनकी हमें जरूरत है, जैसे कि मधुमक्खियां और परागण करने वाले कीट। कुछ जगहों में तो मधुमक्खियां करीब करीब गायब ही हो गई हैं। एक जो ये किसान, हमारे जैसे किसान भाई हैं, ये अपनी फसलों के ऊपर स्प्रे बहुत ज़्यादा करने लग गए हैं, जिससे हमारी मधुमक्खियाँ मर जाती हैं। जब वो उनके फूल के ऊपर बैठती हैं वो मर जाती हैं। इससे हमारा बहुत नुकसान होता है और शहद की प्रोडक्शन में बहुत कमी होती है।
पेस्टिसाइड्स आर वन वेरी इम्पोर्टेंट। कीटनाशक मधुमक्खियों की आबादी में गिरावट की एक बड़ी वजह है। किसानों को कीटनाशकों को इस्तेमाल करने के समय के बारे में और तरीके के बारे में जागरूक बनाया जाना चाहिए, ताकि वो उन मधुमक्खियों को कोई नुकसान न पहुंचाए जो उनकी फसल पर अपनी खुराक लेने आती है। मधुमक्खियों के जरिए किसानों को अपनी उपज में जो वृद्धि हासिल होती है, वो कीटनाशकों के इस्तेमाल से होने वाली वृद्धि से कहीं ज्यादा है। परेशान किसानों की मदद पंत विश्वविद्यालय और अर्थवॉच के वैज्ञानिक कर रहे हैं। ये लोग स्थानीय समुदायों के साथ नियमित रूप से जागरूकता शिविर लगाते हैं और उन्हें कीटनाशकों, मोनोक्रॉपिंग और मधुमक्खियों के आयात से जुड़े खतरों के बारे में बताते रहते हैं। हम में से बहुतों को यहाँ भारत में ये बात मालूम नहीं होगी कि मधुमक्खियों और मधुमक्खियों के छत्तों को इटली से आयात किया जा रहा है, ताकि हिमालय के पहाड़ी क्षेत्रों में सेब की फसलों का परागण किया जा सके। फलों की फसलें मधुमक्खियों पर निर्भर होती हैं। सेबों और आलू बुखारों की फसलों की उपज में जो कमी देखने में आ रही है, हद से ज्यादा छिड़काव होने से हो रही है। ऐसी सबसे बड़ी कमी अमेरिका की सेंट्रल वैली के 646 वर्ग किलोमीटर इलाके में देखने में आई है। ये बादाम की काश्त वाला इलाका है और यहाँ दुनिया में उगने वाले कुल बादाम का 82% पैदा होता है। इसके बाद नंबर आता है चीन, मेक्सिको, फ्रांस, बेल्जियम, पुर्तगाल, स्वीडन, क्रोएशिया, स्पेन और मिडल ईस्ट का। इन जगहों से मधुमक्खियों के 40% छत्ते गायब हो चुके हैं। एक प्रयोग में एक मधुमक्खी के छत्ते के नजदीक एक मोबाइल फोन को रख दिया गया। हमने एक सेलफोन को मधुमक्खियों के छत्ते में रखकर मधुमक्खियों के व्यवहार पर इसके असर को जानने की कोशिश की। हमें पता चला कि जो मधुमक्खियां छत्ता छोड़कर गई थी, उनमें से बहुत सी वापस नहीं आ पाई। इससे पता चलता है कि सेलफोन से जो रेडिएशन निकल रहा है, वो मधुमक्खियों के वापस छत्ते तक लौटने में बाधा पैदा कर रहा है। इस कारण वो अपने छत्ते तक नहीं लौट पाई। उन्हें दिशा का ज्ञान नहीं रहा। हमें ये जानकर भी हैरानी हुई कि रानी मक्खी की अंडे देने की दर में भी कमी आ गई। पहले हमने रेडिएशन के स्तर का पता लगाने के लिए चंडीगढ़ में सर्वेक्षण किया। फिर हमने पेड़ पौधों पर इसका प्रभाव जानने की कोशिश की और अंत में नंबर आया मधुमक्खियों का। हमें पता चला कि सेलफोन टावरों में 41% की वृद्धि के कारण रेडिएशन के स्तर में भी 3.2% की बढ़ोतरी हुई थी। बदकिस्मती से कारोबारी किसानों और कृषि वैज्ञानिकों ने एक बार फिर जीवन के चक्र को बहुत हल्के में ले लिया है और वो अपने मुनाफे के लिए प्रकृति के साथ तजुर्बे और फेरबदल करते रहे हैं। हम तलवार की धार पर चल रहे हैं। अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें परागण करने वाले इन जीवों को बचाना होगा। किसी प्रजाति को विलुप्त होने से बचाने के लिए ये जरूरी है कि उस प्राकृतिक मददगार प्रणाली को सुरक्षित बनाया जाए जो इस प्रजाति को बचाए रखती है। अगर हमने अपने लालच और अज्ञान के कारण एक अप्राकृतिक विलोपन की शुरुआत कर दी, तो कहीं ऐसा ना हो कि मधुमक्खियां इस बदहाली से उबर ही ना पाए। कोई मधुमक्खी तो एक दिन में ही 80 किलोमीटर तक का सफर तय करके 1,00,000 तक फूलों को पॉलिनेट कर सकती है। और ज्यादा पाने की इंसानी होड़ और अंधाधुंध विकास ने प्रकृति के संतुलन और जीवन चक्र को तबाह करके रख दिया है। अगर मधुमक्खी न रही तो पृथ्वी पर जीवन के लिए भारी संकट पैदा हो जाएगा। आहार श्रृंखला में चरम पर मौजूद बाघ 1 साल में खत्म होगा और सिर्फ 3 साल में इंसान भी इस पृथ्वी पर नहीं बचेगा। पृथ्वी बेजान और बंजर हो जाएगी। सिर्फ 5 साल में पृथ्वी पर कोई जीव जिंदा ही नहीं रहेगा। तो अब भविष्य हमारे हाथ में है। अगर इंसानी नस्ल और जीवन को पृथ्वी पर बचे रहना है तो हमें हमारे आहार प्रदान करने वाले चाहिए, यानी मधुमक्खियां, तितलियां और अन्य कीट।
यानी हमें एक संतुलित और जीवंत पृथ्वी चाहिए। कुदरत ने इस पृथ्वी पर जितनी भी प्रजातियां बनाई हैं, जीव जंतु वनस्पति, ये सब कोई न कोई अहम भूमिका निभाते हैं। इनका कोई न कोई मकसद है, ये फजूल नहीं बनी। अगर आप करीबी से देखें तो यही कालचक्र है जो एक दूसरे को इस पृथ्वी पर संभालता है, भोजन उपलब्ध कराता है और हमें जीवन देता है। हमारा आज का प्रोग्राम बस यहीं ख़त्म होता है। आशा करते हैं ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपने सुझाव और विचार हमें ज़रूर लिख भेजिएगा। आपके ख़तों का हमें हमेशा इंतज़ार रहता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।